तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे, आज के सेशन में सीखेंगे हम रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम क्या होती है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। ये हमारा प्रोसीजर सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा। और जो ये एग्जाम्पल वगैरह लेंगे हम समझाने के लिए आपको, वो एक्सरसाइज 5.8 से रिलेटेड होंगे। तो गाइस अगर आप 5.8 में आंसर ढूंढ रहे हो 5.8 के, तो इस वीडियो को आप प्रिफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई रोल्स थ्योरम क्या होती है। तो बेसिकली रोल्स थ्योरम की कंडीशन होती है कि कब ये अप्लाई होती है, कि जब एफ एक्स कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए टू बी में। इज इट क्लियर? एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, उसके बाद एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हो ए टू बी में, और साथ ही साथ एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो, तब तब क्या, तब कर्व पे एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा, कर्व पे एक ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा कि जब कर्व की जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उस पॉइंट को रखेंगे, तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही होगी। ये हमारी रोल्स थ्योरम कहती है। अब आपको पल्ले तो पड़ा नहीं होगी ये क्या कहना चाहता है, क्या नहीं, क्या समझा दिया सर आपने, तो ये रीड कर दिया। तो गाइस अब हम इसको रोल्स थ्योरम को बिल्कुल एक्सप्लेन से, बिल्कुल तरीके से इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे क्या चीज होती है। क्योंकि देखो रटना एक अलग बात होती है, समझना एक अलग बात होती है। तो हम क्या, हम समझने पर फोकस करने बजाय रटने के। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एक ग्राफ बनाते हैं जो जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। तो एफ एक्स कंटिन्यूस है ए टू बी में, तो एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो कोई एक कर्व बना लिया मैंने ना, इज इट क्लियर, जिसमें कंटिन्यूस आ रहा हो। तो देखो इस तरीके से कंटिन्यूस हो सकता है, एक हो सकता है ना, ये साइन का मैंने ग्राफ बना लिया एक तरीके से। ये देखो कंटिन्यूस है ना पूरी ए टू बी में, इज इट क्लियर, ए टू बी में कंटिन्यूस है। ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। आप सोच रहे हो ये क्यों ए और बी माना, क्योंकि गाइस देखो क्यों क्यों माना, क्योंकि देखो गाइस एफ एक्स कंटिन्यूस है, देखो लगातार जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूस है। उसके अलावा ए टू बी है, ये देखो डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल का मतलब हम कैसे पहचानते हैं ग्राफ को देख के, वो हम ऐसे पहचानते हैं कि अगर ग्राफ है कोई, अगर वो लगातार जा रहा है, कहीं उसका कर्व क्या है, या तो ब्रेक नहीं हो रहा, क्या कंटिन्यूस जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, इसके साथ साथ उसमें थोड़ा तीखापन नहीं आ रहा। तीखापन का मतलब है कि जैसे इस टाइप का, जैसे अभी मोड एक्स का अपन ग्राफ बनाते हैं ना, तो मोड एक्स का इस तरीके से ग्राफ बनता है, इज इट क्लियर, ऐसा कुछ बनता है ग्राफ। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे ये क्या हो गया, अचानक से मुड़ गया, अचानक से टर्न हो गया, अचानक से टर्न नहीं हो, एक नॉर्मल वे से चलता रहे, तब उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल कहते हैं। अगर अचानक से हो गया तब डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये दो कंडीशन होती है अनडिफरेंशिएबिलिटी की। यहाँ पे देखो यहाँ पे कंटिन्यूस तीखापन कहीं नहीं आ रहा, लगातार नॉर्मल तरीके से चले जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल भी है। इसके साथ साथ मैंने ए और बी यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि कंडीशन देखिए एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देखो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है इसके बराबर है 0 के बराबर है, इज इट क्लियर। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, वो भी 0 के बराबर है। ऑब्वियसली बात, आप सोच रहे हो सर 0 कहाँ से हुई, बी के बराबर ही ना। अरे गधो, बी तो उस पॉइंट की वैल्यू है भाई। देखो हम फंक्शन लिखते हैं ना, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरीके से कोई फंक्शन होता है, तो हम फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वाई की किसी पॉइंट पे हम उसकी जगह एक्स की वैल्यू रख देते हैं ना, इज इट क्लियर। तो एक्स की जगह यहाँ पे ए रखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इसके इक्वल आ रही होगी, इज इट क्लियर, ये जो इसके वाई एक्सिस के इक्वल आ रही होगी। इस पॉइंट पे मैं देखूँ फंक्शन की वैल्यू, वो इसके इक्वल आ रही होगी। मैं लाइन मार्क करते जा रहा हूँ, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तरीके से, वो इसके इक्वल आ रही होगी। अब मैं इस पॉइंट पे पूछूंगी, ये मैंने ब्लू कलर से किया, इस पे करूँ, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस पे फंक्शन की होगी इसके इक्वल, वाई एक्सिस के इक्वल होगी, इज इट क्लियर, और इस पॉइंट पे इसके इक्वल होगी। इसी तरीके से बी पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स एक्सिस के इक्वल या फिर 0 के इक्वल होगी, है ना, इज इट क्लियर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, बी कॉमा 0, और इस पॉइंट के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा 0, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाई एक्सिस होता है, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारे फंक्शन की वैल्यू के बराबर, या एफ ऑफ ए के बराबर, या एफ ऑफ इधर बी के बराबर, इज इट क्लियर। तो मैंने इसलिए दोनों पॉइंट एक जैसे लिए, यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल थी। अब मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इज इट क्लियर, मेरे पास एफ एक्स कंटिन्यूस भी आ गया, डिफरेंशिएबल भी आ गया, और दोनों इक्वल भी हैं, इज इट क्लियर। अब क्या, अब दे रहे, अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कर्व पे कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा, यहाँ पे देखा सी लाई करेगा, क्या लाई करेगा, कर्व पे, लेकिन किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, उसी इंटरवेल के बीच में होगी सारी चीजें, ये ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा कि जब एफ डैश सी 0 हो जाएगा। एफ डैश सी का मतलब है, एफ डैश सी का मतलब क्या होता है गाइस, अभी मैंने ये करवाया नहीं है, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा ना, तब इसमें आएगा कि जब एफ डैश क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, ये होता है गाइस उस कर्व का स्लोप, उस कर्व की स्लोप होती है, यानी कि जो कर्व दे रखा है, सपोज करो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है। अब मैं इसकी स्लोप निकालूं, क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो वाई डैश हो जाएगा, या फिर डीवाई अपॉन डीएक्स कह सकते हैं इसको। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, इधर आएगा 2x और प्लस 2 आ जाएगा, तो क्या होगी, ये इसकी स्लोप हो गई, क्या होगी गाइस, इसकी
स्लोप हो गया, ये अब समझ में आ रहा होगा, 2x+2 स्लोप हो गई। अब मुझे किसी पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो एफ वाई डैश टू या फिर वाई डैश वन या एफ डैश वन जो भी है हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी 2 × x की जगह 1 रख दो प्लस 2 दैट इज 4 आ जाएगी सेट के लिए। यानी एफ डैश सी उस पॉइंट पे उस फंक्शन की स्लोप है तो वो कहीं ना कहीं जीरो हो रही होगी और हमें ऑब्वियसली पता है। देखो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे मैंने अभी एक ये गोला किया बड़ी तरीके से, ये देखो दिख गया इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पे स्लोप ये होगी ऑब्वियसली बात है ना। ये स्लोप आप बना सकते हैं, ये स्लोप होगी और ये जीरो के इक्वल है। जीरो के इक्वल कैसे है, क्योंकि गाइस इसका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। एक्स एक्स भी ऐसी जा रही है, ये भी इसी तरफ में जा रहा है, जीरो एंगल आ रहा है तो टेन जीरो दैट इज जीरो इसकी स्लोप होगी। और एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। यानी कम से कम एक पॉइंट पे तो होगा ही होगा। चलो आप सोच रहे होंगे सर इसमें हो गया, क्या पता दूसरे में नहीं हो, तो हम दूसरे में एग्जाम्पल में दूसरा एक और लेते हैं, हम सारी चीजें रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ये ग्राफ लिया है, इसमें इसमें देखो, इसमें देखो कंटिन्यूस भी आ रहा है फंक्शन लगातार है ना, और डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा ना। अब कैसे होगा वो आप निकाल सकते हैं आराम से, कि कहीं भी ये ब्रेक वगैरह नहीं हो रहा ना, तीखापन आ रही है, नॉर्मल तरीके से चले जा रहा है। अब देखो मुझे पता है कि एफ डैश सी यानी कि किसी एक पॉइंट पे उसकी स्लोप जीरो होगी, तो मुझे साफ दिख रहा है इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ना इस पे देखो, अगर स्लोप टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट ऐसे जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी हो रहा है, कम से कम एक पॉइंट तो मिल ही रहा है जहाँ पे स्लोप जीरो हो रही है। ये हमारा क्या कहता है, रोल्स थ्योरम कहता है। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि एफ एक्स यानी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी हो, साथ ही साथ एफ ऑफ ए यानी ए पॉइंट पर उसकी वैल्यू और बी पॉइंट पर वैल्यू दोनों इक्वल हो। देखो यहाँ पे भी इक्वल आ रही है, ए पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी, और बी पॉइंट पर भी यही वैल्यू आएगी, दोनों इक्वल आ रही है ना। तो दोनों इक्वल हो तब वहां पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उसकी स्लोप या फिर एफ डैश सी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। और आप ऑब्वियसली सोच सकते हैं यार कि कोई कर्व है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके जाके लास्ट में नीचे आना ही है, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट था उसके इक्वल वैल्यू लानी है ना, तो ऑब्वियसली एक ना एक जगह पे तो जीरो हो ही रहा होगा ना। जनरल भी बिहेवियर में सोच सकते हो, बस नाम इसने देखो रोल्स थ्योरम, बस उन्होंने उसने कह दिया, बाकी ये तो जनरल बिहेवियर में हमें पता है ऐसा होता है। तो चलो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व, इसको समझते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेट आज हम सीखेंगे सिर्फ स्ट्रेट बोर्ड के एग्जाम की, स्ट्रेट बोर्ड में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और ये दो पॉइंट दे रखे हैं, यानी ए हमारे पास दे रखा है -2 एंड बी 2 दे रखा है। इसके लिए हमें रोल्स थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई करनी है। तो चलो करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हमें वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं हम, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो गाइस देखो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली बात है यार एक्स की पावर ये पॉलिनोमियल है ना। तो पॉलिनोमियल का हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है हमेशा, और मैं ऑलरेडी कंटिन्यूस प्रूव करवा चुका हूँ पॉलिनोमियल को, और कंटिन्यूटी के लेक्चर है मैंने 4 लेक्चर लिए हैं, तो उनको एक बार जाके कंफर्म अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि यार कैसे कंटिन्यूस हुआ। तो ये कंटिन्यूस भी है ऑब्वियसली बात है, उसके साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशिएबल भी है। कैसे डिफरेंशिएबल है आप अपने आप निकाल लेना यार, कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन एच निकालेंगे ना, तो इससे आपको वो भी मिल जाएगा या डिफरेंशिएबल मिल जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट मिलेगी, मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच या फिर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये तो मेरे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ गई। उसी तरीके से एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच करेंगे, वो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, दोनों अपने आप इक्वल आ जाएंगे, यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे अपने आप ही, है ना। आप कर लेना, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें करवा रखी हैं। तो इससे क्या है, इससे ये मेरे पास डिफरेंशिएबल भी हो गया, इज इट क्लियर। और साथ ही साथ अब मेरे पास ये दो कंडीशन मैंने चेक कर ली, क्या चेक कर ली, एफ एक्स भी चेक कर लिया, ये डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर ली। अब चेक करता हूँ मैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करता हूँ, यानी ए पॉइंट पे वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, अब मुझे किस पे चाहिए, -2 पे वैल्यू चाहिए, तो वाई -2 या एफ ऑफ -2 एक ही मतलब है, दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इट क्लियर। 4 प्लस 2 दैट इज 6, क्यों, क्योंकि गाइस माइनस का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही आता है हमेशा, बचा क्या 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 एस्टेज चल रहा है तो 6। इसी तरीके से वाई ऑफ टू यानी एफ ऑफ बी निकालता हूँ मैं, दैट इज क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2, ये भी इक्वल आ रहे, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी क्या हो सकता हूँ मैं कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2 या फिर वाई ऑफ 2 इक्वल टू वाई ऑफ माइनस 2 आ रहा है, यानी मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, एफ डैश सी
मुझे क्या करना है, जीरो के इक्वल, यानी कि कोई एक ना एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे उसकी स्लोप जीरो हो रही होगी। तब क्या करते हैं हम करते हैं कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, जो हमारे पास दे रखा है ना उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा होगा -2 और 2 के बीच में कि जहां पे उसकी वैल्यू जीरो हो रही होगी, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अगर पॉइंट नहीं मिल रहा होगा या फिर बाहर मिल रहा होगा इस रेंज के, तब क्या ये रोल्स थ्योरम क्या है, अनवेरीफाइड हो जाएगी या फिर प्रूव नहीं हो पाएगी। तो चलो करते हैं हम क्वेश्चन। पॉइंट सबसे पहले लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 x, के लिए मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा या फिर y डैश करता था मैं, y डैश x है ना, y डैश x दैट इज x हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, यानी इनका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया और कुछ नहीं किया गाइस, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करूंगा, मैंने बताया था जो आता है उसको c रख लूंगा पॉइंट, y डैश c दैट इज 2c। अब इसको मैं क्या करूंगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो 0 के इक्वल पुट कर दिया तो 2c = 0, इससे c क्या आ जाएगा, c 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, 2c 0 है तो 2 को डिवाइड करूंगा तो 0/2 दैट इज 0 होता है। तो c मेरे पास पॉइंट क्या मिल गया, 0। क्या ये -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली बात है यार। आप देखो ये मैंने लाइन बना ली, इधर 0 आता है, इधर -2 आता है, इधर 2 आता है, ऑब्वियसली ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, तो हमारी रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, वो से चेक किया कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद हमने पॉइंट दोनों पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आ रही थी तो वो चेक की, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, फिर जो पॉइंट मिला ना उसको चेक किया कि वो हमारा इस इंटरवल के बीच में आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या है, तो भी ठीक है, क्योंकि फिर अनवेरीफाई हो गई, यानी कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी ही नहीं। तो चलो हम अगला क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसको एक दूसरा भी तरीका है कि ग्राफ के थ्रू भी आप लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, या फिर कहूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई माइनस 2 है ना। तो एक तरीके से ये कौन सा ग्राफ बन गया, ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का, तो ये एक इस तरीके का ग्राफ बन गया। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों बना, क्यों, इसलिए बना कि फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ क्या होता है, वो इस तरीके का होता है। लेकिन अब वाई माइनस 2 हो गया ना, इज इट क्लियर, वाई माइनस 2 हो गया, तो आप देख लो यार कि वाई, जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, y आएगा इधर भेज देंगे तो y 2 के इक्वल आएगा, तो यानी x बराबर 0 पर y 2 के इक्वल आएगा, इसलिए ये ऊपर की तरफ खिसक गया, खिसक गया, तो ऐसा ग्राफ बनेगा जो मैंने इधर बना रखा है। इज इट क्लियर, आपको अगर ग्राफ बनाने नहीं आता हो तो गाइस हम इसके लिए भी एक सेशन ले सकते हैं, बट हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तभी हम लेंगे, फिर हमें वरना रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, यानी स्टूडेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा या फिर वो पढ़ना नहीं चाहते, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखो गाइस मेरे पास ये ग्राफ बना दिया मैंने, अब इसमें देखो यार, इसमें ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है सब, ये -2 आ रहा है सपोज करो यहाँ, है ना, इधर आ रहा है 2, तो ये क्या ही लगा था, कंटिन्यूस भी है, कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा ना, तीखापन आ रहा है ना, तीखापन मतलब अचानक से कर्व चेंज नहीं हो रहा, जैसे इसमें हो रहा था, ऐसे जा रहा था फिर अचानक से मुड़ गया, इधर जा रहा था फिर इधर मुड़ गया, इस तरीके से नहीं हो रहा ना, नॉर्मल तरीके से जा रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, इसके लिए f(a)f(b) भी है, बस हम निकालेंगे स्लोप। देखो यहाँ पे स्लोप वैसे ऑब्वियस सी बात है 0 हो रही होगी, है ना, देख के हम कह ही सकते हैं ये 0 पॉइंट पे डिफरेंट हो रही होगी स्लोप 0, तो ये हमारी वेरीफाई हो गई। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, रोल्स थ्योरम वापस हमें वेरीफाई करनी है। हमें -4 to 2 के बीच में इंटरवल दे रखा है, तो हमारे पास ए पॉइंट -4 हो जाएगा, बी मेरे पास 2 हो जाएगा। तो देखो गाइस मुझे देखते ही पता चल गया, क्या पता चल गया, ये पॉलिनोमियल है, तो मुझे पता है पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियबल भी होगा। इज इट क्लियर, आप ऑलरेडी इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो गाइज ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ जिससे आप खुद प्रैक्टिस करें, क्या खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो ये चीजें अगर कोई स्टूडेंट्स को टीचर करवा देता है फिर दोबारा से करवाए तो ठीक है, बट अगर वो आपसे ही मेहनत करके करवाना चाहे तो समझ लेना कि वो चाहता है कि आप में इम्प्रूवमेंट हो, इसीलिए आप खुद ट्राई करो इसको, अगर नहीं आए फिर भी हमें बता देना, हम कोई बात नहीं, हम फिर अगले सेशन में ले लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में करवा रखे हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया और ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं f(a) फाइंड करता हूँ, f(a) या फिर -4, f(-4) एक ही जगह -4 है, तो बस इस फंक्शन में रख दो -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 * -4 -8, मतलब x की जगह -4 रख दिया, बाकी ऐसे ही चलेगा, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 * -4 दैट इज -8, है ना, और ये -8, ये मेरे पास 0 के इक्वल आ जाएगा।
कैसे आया? 16 माइनस 8 करेंगे तो +8 बचेगा, है ना, और फिर -8 एज इट इज चल रहा है तो ये इसकी वैल्यू 0 आ ही जाएगी। एफ ऑफ -4 आ गया। इसी तरीके से एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 2 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, यानी कि x की जगह इस इक्वेशन में मैंने ये रख दिया, x की जगह 2 रख दिया। इज इट क्लियर? तो सिंपलीफाई करो तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 और -8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। देखो गाइस, एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ गया ना, ऑब्वियसली बात है, मेरे पास कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशियबल भी हो गया, और मेरे पास एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 भी आ गया, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या करें, अब हम डिफरेंशियबल करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर वो पॉइंट इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है तब तो वेरीफाई हो जाएगी, वरना हमारी रोल्स थ्योरम अप्लाई ही नहीं होती है। लिख देंगे हम तो गाइस, करते हैं कि वाई है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, वाई है एफ एक्स, जो भी आप मानना चाहे मान लेना। अब मैं क्या करूँगा इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx, या फिर मैं y डैश x कह सकता हूँ इसको, या फिर मैं f डैश x भी कह सकता हूँ। इज इट क्लियर? ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करो तो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, इसी तरीके से प्लस 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और ये -8 की 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। आप सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, ये डायरेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सॉल्व होंगे। मैंने क्या स्टार्टिंग के जो 11 या 12 लेक्चर लिए हैं उनमें मैंने बिल्कुल इसी तरीके से इसीलिए समझाया, क्योंकि जब बाद में डायरेक्ट करने की बारी आएगी या चांस आएगा तब आप डायरेक्ट करना सीख सको, काफी प्रैक्टिस हो चुकी हो, इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखे तब उनको जाके देख लीजिए, जब आप फिर आप अपने आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या 2x, ये प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो वैल्यू फाइंड करो, ये मेरे पास आ गया dy अपॉन dx या फिर y डैश x आ गया। इसी तरीके से y डैश c क्या हो जाएगा, x की जगह c कर दो तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको मेरे को किसके इक्वल करना है, y डैश c को मैं 0 के इक्वल करूंगा, ऑब्वियस ही बात है। तो y डैश c क्या है मेरे पास 2c प्लस 2 है, इसको 0 के इक्वल करूंगा तो 2c क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -2, क्योंकि इधर प्लस 2 था, दूसरी तरफ भेजूंगा तो -2 पहुंच जाएगा। अब क्या करूंगा, सी हो जाएगा, मेरे को सी चाहिए ना तो 2 को मेरे को उठाना पड़ेगा, तो इधर जाके डिवाइड कर दूंगा तो -2/2 दैट इज -1 आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट क्या मिल गया, मेरे पास -1 मिल गया। तो क्या ये -1 -4 और 2 के बीच में लाई करता है, ऑब्वियसली बात है यार, इसी के बीच में तो लाई करेगा। इधर 0 आ गया, इधर क्या आ गया 2 आ गया, और इधर क्या आ गया -4 आ गया। तो देखो इधर चलेंगे तो इधर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 भी आएगा, इधर 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यानी -1 किस बीच में लाई कर रहा है, इन इंटरवेल के बीच में लाई कर रहा है, तुम्हारी रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आई होप, क्योंकि देखो इसमें स्टेट बोर्ड में इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आई थिंक एनफ होते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, और ये भी मुझे पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो ये भी देखो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियबल भी होगा। आपको क्या करना है, ए पे वैल्यू चेक करनी है, बी पे वैल्यू चेक करनी है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, है ना, इक्वल आ जाए तो ठीक है, तब हम आगे प्रोसेस करेंगे। अगर इक्वल नहीं आ रही हो तब क्या है, ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। तो चलो पहले हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। एफ ऑफ 1 क्या होगा, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास 0 आ गया। इसी तरीके से एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यानी एक्स की जगह 2 रख दो तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो क्या एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो हमें क्या था कि क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर रोल्स थ्योरम के हिसाब से, कि एफ ऑफ ए, एक सेकंड गाइस, ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हुई, यानी यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। आप इसको और डिटेल में अच्छी तरीके से खुद भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस पर ये कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर और इस ईमेल आईडी पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।